लोचो गुड मॉर्निंग। देखिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। टॉपिक का नाम है संकरण। ये संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, जेसन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना? नहीं पढ़ गए? आगे देखिए, ध्यान सुनना। तो डिफिनेशन लिखिए, किसी परमाणु के संयोजी कोष, ठीक है ना? इसको लिख लीजिए, पहले मैं समझा दूंगा। संयोजी कोष में उपस्थित उपस्थित किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान, ये ध्यान से लिखना है इसको, क्योंकि ये डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। लगभग समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही संख्या में समान ऊर्जा समान आकार, ठीक है, तथा समान आकृति समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। और इस घटना को संकरण कहते हैं। संकरण कहते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए इसको। किसी परमाणु के संयोजी को मैं उपस्थित लगभग समान ऊर्जा, ये टॉपिक मेन मेन पॉइंट जो है मैं बता रहा हूं, उतने ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार, समान आकृति नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, किसी परमाणु के जो संयोजी कोष है, जब भी हम बात करेंगे संकरण की बात करेंगे, तो संकरण निकालने के लिए आप सीधे मान के चलिए संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों की चर्चा होगी, या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेंगे लगभग समान ऊर्जा वाले। तो जो संयोजी कोष होगा, जैसे कि 2s2 2p है, तो समान ऊर्जा के होंगे, लगभग में समान ऊर्जा वाले होंगे। कक्षक आपस में मिलकर, तो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होंगे वो आपस में मिलकर
उतने ही, मैंने क्या बोला, उतने ही नए कच्छकों का निर्माण करेंगे और जो नए कच्छक बनाएंगे उनके समान ऊर्जा होगी, समान आकार होगा और समान आकृति होगी। तो जैसे कि मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। मान लीजिए ये था एक और ये थे, अब ये 2s है, ये 2p है, तो दूसरी कक्षा में ऊर्जा समान होगी लगभग में। तो ये अगर आपस में मिले तो ये चार नए कक्षक बनाएंगे, एक दो तीन चार बन गए। अब ऐसा नहीं है कि जो ये चार नए कक्षक बने हैं इनकी आकृत, किसी की आकृत छोटी हो, किसी की बड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की ऊर्जा कम, किसी की ऊर्जा ज्यादा नहीं, सभी की बराबर होगी। जैसे कि यहां बराबर तो यहां पर भी बराबर, ये पॉइंट कह रहा संकरण में। तो क्या है पॉइंट, जब किसी परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा के, लगभग समान ऊर्जा वाले कच्छक आपस में मिलकर नए कच्छकों का उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, समान आकार था, समान आकृति वाले नए कच्छकों का निर्माण करते हैं तो इन नए कच्छकों को संकरित कच्छक कहते हैं और इस घटना को संकरण कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट हमारा? चलिए अगली हेडिंग है हमारी संकरण के गुण। संकरण के गुण हेडिंग डालिए और लिखिए फटाफट इसमें, हो गया। हो गया, समझिए पहला पॉइंट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए ये था और ये था, मान लीजिए इसके आगे ये एक और है, ये 2s है और ये 3s है। तो मान लीजिए आप सोचते होंगे कि मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, आप सोच लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी कक्षा तो दूसरी में ही रहेगा, तीसरी में नहीं जाएगा, उत्तेजित हो जाए और तीसरी में चला जाए ना। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिले तो ये चार बनेंगे, कह दो कि ये और ये आपस में मिल जाए और ये चार बना दे कच्छक ने, तो ये गलत है क्योंकि ये दूसरी कक्षा है तो ये भी दूसरी कक्षा है, बन सकता है, समान ऊर्जा होगी, लेकिन ये तीसरी कक्षा है, इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी। यहां पर समान ऊर्जा, समान आकार और समान आकृति के ही नए कच्छकों का निर्माण होता है, लेकिन कब, जब समान ऊर्जा वाले कच्छक भाग लेते हैं, समान ऊर्जा के, ऐसा नहीं किसी की ऊर्जा ज्यादा और किसी की कम हो और वो संकरण में भाग ले रहे हो, नहीं, ऊर्जा जिनकी समान होगी वही कच्छक बनाएंगे या वही कच्छक भाग लेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट हमारा? तो पहला पॉइंट लिखिए, संकरण में सदैव लगभग समान ऊर्जा के परमाणुओं के कच्छक भाग लेते हैं। संकरण में सदैव लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुओं के कच्छक भाग लेते हैं। हो गया, हो गया। चलिए अब मान लेते हैं ये वाली घटना हमारी बन रही थी ये गलत थी, हटा दीजिए। अब देखिए जब संकरण में भाग नहीं ले रहे तो कितने कच्छक थे, एक दो तीन चार, और जब संकरण में भाग लिया तो ये आपस में मिले, मिलके कितने बनाए, एक दो तीन चार, कितने थे, चार बनाए, कितने, चार, मतलब जितने कच्छक होते हैं उतने ही कच्छक
संकरण में भाग लेते हैं और उतने ही कच्छकों का निर्माण करते हैं जितने कच्छक भाग लेते हैं। चार कच्छकों ने भाग लिया तो चार नए कच्छक बने। ये लिखिए इसमें दूसरा पॉइंट, संकरण में बने कच्छकों की संख्या, संकरण में बने कच्छकों की संख्या इनमें भाग लेने वाले परमाणु कच्छकों की संख्या के बराबर होती है। इनमें भाग लेने वाले परमाणुओं के कच्छकों की संख्या के बराबर होती है। हो गया, आगे देखिए, आगे देखिए, जो जब हम संकरण निकालेंगे तो संकरण इनसे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉनों से हमें कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमें केवल इन कच्छकों से है। संकरण का मतलब जो है, संकरण का जो लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनों से नहीं है, वो केवल कच्छकों से है कि इलेक्ट्रॉन जिस कच्छक में है उससे कुछ कच्छक से मतलब है हमको, ठीक है ना। ओके चलिए लिखिए, संकरण इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है बल्कि परमाणु कच्छकों का होता है। संकरण इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है बल्कि परमाणु कच्छकों का होता है, परमाणुओं के कच्छकों का होता है। हो गया, अगला पॉइंट, जब भी संकरण होगा तो याद रखिए हमेशा सिग्मा बंद बनेगा, पाई बंद नहीं बनता बेटा, याद रखना, हमेशा सिग्मा बंद बनेगा, पाई बंद नहीं बनता है। तो अगला पॉइंट ये लिखिए, संकरण में सदैव सिग्मा बंद बनते हैं, पाई बंद नहीं बनते। हो गया, अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा है लास्ट पॉइंट, हो गया, बोले आगे देखिए, मैं समझाता हूं आपको, देखिए इसको लूप बोलते हैं, ये छोटा लूप है और ये बड़ा लूप है। तो संकरण में क्या होता है, ध्यान से देखना संकरण में, ठीक है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, हो गया, चलिए ये बन जाता है। तो एक छोटा लूप, एक बड़ा लूप, एक बड़ा लूप, एक छोटा लूप, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो बना है ये है संकरित कच्छक, ठीक है ना, यह संकरित लूप। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए, बड़ा लूप छोटा लूप लिखिए, संकरण में प्रत्येक संकर कच्छक में दो रूप होते हैं, दो लूप होते हैं, एक लूप बड़ा और दूसरा छोटा होता है। हो गया, एक लूप बड़ा और दूसरा लूप छोटा होता है। अगले लाइन डालिए, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, पहले
तो मैं एक साड़ी बनवा देता हूं, उसके बाद में फिर इनको अलग अलग करवा दूंगा, ठीक है ना। तो साड़ी बनाइए सबसे पहले। भाग लेने वाले कच्छकों की संख्या, ओके आगे लिखिए, संकरण का नाम, ठीक है, संकरण का नाम। संकरित कच्छकों की संख्या, तो देखिए फटाफट कितने भाग लेते हैं। देखो एस और पी, एक एस और एक पी अगर मिला दें, कितने हुए? दो। अगर हम एक एस और दो पी मिला दें, एक एस और ये दो पी के कच्छक, एक नहीं लिया, तो कहां से स्टार्ट करना है? दो से, एक कच्चक पे होगा नहीं, दो से स्टार्ट। तो कितने कच्चकों ने भाग लिया? दो। तो एक एस और एक पी, तो संकरण का नाम एसपी संकरण, ठीक है ना। कितने कच्चक बनेंगे? दो बनेंगे, जितने भाग लेंगे उतने बनेंगे। तीन भाग लेंगे, एक एस दो पी के, ठीक है ना, कितने बनेंगे? दो बनेंगे। चार, तो एक एस और पी के तीन कच्छक, तो कितने बनेंगे? तीन बनेंगे, सॉरी तीन बनेंगे यहां, चार यहां बनेंगे, जितने कच्छक भाग लेंगे उतने कच्छक बनेंगे। पांच, तो SP3 और D, तीन तीन कच्चक होते हैं, तीनों ने भाग ले रखा है, तो अगला किस में जाएगा? D में जाएगा। तो तीन और एक चार, एक S, तीन P और एक D, पांच हो गए कच्चक, पांच नए कच्चक बनाएगा। छः, तो एक S, तीन P और दो बचे वो D में चले जाएंगे, तो छः कच्चक बनेंगे। सात, कच्चक भाग ले तो एक एस तीन पी और डी तीन, और इसमें सात कच्चक भाग ले रहे हैं, ओके। तो ये संकरण के प्रकार हैं, नोट कर लीजिए कौन कौन से। SP संकरण, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ओके हो गया। हो गया, चलिए बन गया। अब यही एडिंगें पड़ेंगी हमारी। देखो मैं एक बार समझा देता हूं, एक एस कच्छक तथा एक पी कच्छक परस्पर आपस में मिलकर क्या करते हैं? जब संकरण विघटना करते हैं, हो गया, चलिए शुरू करें। देखियो स्टार्टिंग, देखियो जब किसी परमाणु के बाह्य कोश का एक एस कच्छक तथा एक पी कच्छक
एक एस कच्चक बाय को उसका था, एक पी कच्चक, परस्पर आपस में मिलकर जब दो नए कच्चकों का निर्माण करता है तो इन नए कच्चकों को संकलित कच्चक और इस घटना को एसपी संकरण कहते हैं। जब किसी परमाणु के बाह्य कोष के एक एस कच्चक तथा दो पी कच्चक परस्पर मिलकर तीन नए कच्चकों का निर्माण करते हैं तो इन नए कच्चकों को संकलित कच्चक और इस घटना को एसपी टू संकरण कहते हैं। जब किसी परमाणु के बाह्य कोष का एक एस कच्चक तथा पी तथा तीन पी कच्चक परस्पर मिलकर चार नए कच्चकों का निर्माण करते हैं तो इन कच्चकों को संकरित कच्चक और इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। क्या डिफ्यूजन बना लोगे ना ऐसे ही? क्या बोलेंगे? जब किसी परमाणु के बाह्य कोष का एक s कच्चक तथा तीन p कच्चक एवं एक d कच्चक परस्पर मिलकर पांच नए कच्चकों का निर्माण करते हैं तो इन नए कच्चकों को sp3d संकरित कच्चक कहते हैं और इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। तो ये सभी डिफरेंस बनानी है आपको है और लिख लेनी है। लिख पाओगे? चलो मैं अगले वीडियो में इनको लिखा दूंगा, ठीक है ना? ओके, धन्यवाद।